अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में सब का पहरों खुश आमदीद। अज अस नज़म पढ़ासी वो है बंदार नज़म, जैमें चार लाइन होंगे उनके बंदार नज़म चब, जैमें टे होंगे उनके शेर नज़म चबो है। माँ सब्जेक्ट कॉर्डिनेटर अब्दुल गफ्फार मूसा गुड मुझे सब्जेक्ट टीचर है मिस माहिना। क्लास अठों सो किताब नाई जी। नज़म नेकी, लफ्ज नेकी की माना है भलाई करण। इन जो 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 पे बंद है वो ये है कि तारुफ सब का पे नज़म लिख दो तारुफ। ही नज़म मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर लिखो है जो पहले मकतब स्कूल पढ़ो। मकतब कहा जाता है मदरसे को, मदरसे की तालीम हासिल करके आपने जाके स्कूल में पढ़ा। वर्निकल फाइनल पास करें आप तालीम खाते में एज अ टीचर भर्ती हुए। मुसाफिर सिंधी जबान के आला अदीब और शायर हैं। नसर और नज़म में आपने कई किताबें लिखी हैं। मुसाफिर 1961 में वफात पाई। अब इसमें तीन हिस्से हैं। सबसे जो पहला हिस्सा है वो दिल का है। अब देखते हैं नज़म पहला जो दिल हिस्सा है उसमें शायर हमें क्या समझा रहे हैं। जो कलब करम लुत्फ अता जो घर थियो, थी जा तस्लीम जी रज़ा जो घर थियो, नेके जे बने मुसाफिर जा दिल सात दिल कसम रब जो खुदा घर थियो। हिन में शायर साहब असांखे दिल जे लाइ ॿुधाए रहियो आहे त जंहिं दिल में ॿिए जे लाइ रहम करम ऐं महिरबानी हूंदी आहे अहिड़े में अलाह साईं पंहिंजो घर यानी अलाह साईं अहिड़े दिलि में रहंदो आहे। असां हिन जो हवालो आहे ही बंद नेकी मां वरितलु आहे जंहिंजो शाइर मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर आहे जेको सिंधी ज़बान जो आला अदीब ऐं शाइर आहे। अच्छा बंद नंबर ॿिए में आहे नेकी जेको असली उनवान आहे। नेकी जी माना आहे भलाई करण जा अच्छाई करणा। मूसां जे खणी को बि बुराई थो करे दिलि मुंहिंजी बुराई माए न त बि उन ॾे वरे आ उन सां बि दिलि सां कंदुसि पियो नेकी तौफ़ीक़ जो हथु शाल खुदा वन धरे। इन में शायर चवे थो त अगरि मूंसां कोई बुराई बि कंदो त मां उन सां कॾहिं बि बुराई न कंदुसि लेकिन उन सां मां भलाई कंदुसि ऐं अलाह पाक खां मां इहा दुआ थो घुरां त ऐं अलाह मूंखे हमेशह इहा हिदायत ॾे त मां बुराई करण सां बि हमेशह हमदर्दी ऐं नेकी भलाई कंदो रहां। अच्छा बंद नंबर टियों जो आहे उसका उनवान है न्यास ऐं निवृत। निवृत जी लफ़्ज़ी माना आहे झुकना, जैसे मां अलाह के सामने झुकते सजदा करते इबादत करते ऐसी तरह बड़ों की जो इज़्ज़त करते हैं या उससे झुककर मिलते हैं उसको कहा जाता है झुकना जा न्यास और निवृत। जे तोखे मुसाफिर अजमंदी घुर्जे, जे तोखे दुनिया में हक पसंदी घुर्जे, वठ जान ऐं दिलि सां खासर जी बार निवड़ी हलजे तोखे मुसाफिर तोखे बुलंदी घुर्जे। इसमें मुसाफिर अपने आप को मुखातिब होकर कह रहा है कि मुसाफिर दुनिया में अगर तोखे आला मुकाम चाहिए या बुलंद मुकाम चाहिए त दुनिया में अगर आपको हक़ पसंदी चाहिए तू दिल ऐं जान सां खाकसारी ऐं इंसकारी वारो रस्तो अख़्तियार कर निवड़ी हल त इहा तोखे जेका न्यास निवड़त ऐं आला मक़ाम आला दर्जो मिली वेंदो। हिन में असांखे सब नज़म आहे इहो सबक मिले थो त अगरि असां दुनिया में हर हिकु माण्हू सां निवड़ सां ऐं इज़त सां पेश ईंदासीं त उन में ख़ुदा ताला जी रज़ामंदी ज़ाहिर हूंदी आहे ऐं ख़ुदा अहिड़े माण्हू खे पाण जे क़रीब सम्झंदो आहे ऐं अहिड़े इंसान खां अल्लाह पाक हमेशह ख़ुशि रहंदो आहे जेको पंहिंजी भलाई ऐं बहितरी लाइ पाण पतोड़ींदो आहे। अच्छा इन में
असान एक्सरसाइज आए जैमें टे सवाल जैमें सब का पहले सवाल है तो शायर खुदा जो घर कड़ी दिल के सद तो यानी शायर जो है खुदा का घर कौन सी दिल को कह रहा है यानी इसका जवाब है शायर खुदा घर उन दिल के तो सदे जैमें नेकी ए भलाई होती है यानी शायर खुदा घर ऐसी दिल को कहता है जिस दिल के अंदर नेकी और भलाई हो। सवाल पर बो आए रुबाई में कड़ी नसी संभाल इस जो मैंने जो ये नज़म पढ़ी इस रुबाई में क्या नसीहत समाई हुई है तो इस रुबाई के अंदर जो जवाब है रुबाई में नेकी करने की नसीहत समाई है यानी इस रुबाई के अंदर नेकी करने का बताया हुआ है और हमें भी सबसे नेकी करनी चाहिए और उसी की नसीहत भी करनी चाहिए। सवाल नंबर तीसरा जो है बुलंदी यानी ऊंचा मकाम हासिल करना शायर कैसी सलाह तो दे यानी लोगों को अगर ऊंचा मकाम यानी आला मकाम चाहिए तो हमें शायर कौन सा मशवरा दे रहा है। बुलंदी हासिल करने लाए शायर न्याज ए निवेद यानी आजिजी ए इंसाफ से पेश करने की सलाह तो दे यानी शायर हमें ये मशवरा दे रहा है कि अगर आपको आला मुकाम चाहिए तो आप आजिजी और इंसारी के साथ लोगों के साथ पेश आएँ तो ये आला मुकाम आपको हासिल हो जाएगा और मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद कुछ अल्फाज है जिसको आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ कलब, कलब कहा जाता है दिल को। अब इसका जुमला ये है कि कलब जिस्म जो अहम हिस्सा है हमारा जो दिल है वो जिस्म का एक अहम और ख़ास हिस्सा कहलाता है। रज़ा मन रज़ामंदी खुशामंदी असांके अल्लाह ताला जी रज़ा ते राज़ी रहने को या रज़ा जो ख्याल रखना चाहिए। हम इंसानों को अल्लाह ताला जी जो भी रज़ा हो जो भी मर्जी हो उसका ख्याल रखना चाहिए। तौफीक मान हिम्मत या ताकत इसका जुमला होगा ये कि चाल अल्लाह ताला असांके सिद्धी वाट ते हलण की तौफीक दे। शाल हमेशा अल्लाह पाक हम तमाम इंसानों को सीधा रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। निबड़ी यानी झुक कर असांके निबड़ी रहना घुर्जे यानी हमें झुक कर चलना चाहिए। उसमें क्या होता है कि इंसान को कोई मगरूरी नहीं करनी चाहिए और झुक कर चलना चाहिए जिसमें अल्लाह ताला और उसका रसूल खुश हो जाता है। अजमती यानी कदर कीमत अजमती हासिल कर लाए निग्रहण करना चाहिए यानी हमें अगर आला मुकाम चाहिए तो हम हमेशा सबके सामने झुक कर चलें ताकि हमें सबसे इज्जत मिले। अच्छा अभी हमें ऐसी कुछ वो आपने हल करने मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर करे जाओ यानी मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर कब पैदा हुए वो आपने हल करना है। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर जबान का अदीब और शायर था। आपको पता है जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो कौन सी जबान में पेश कर रहे हैं तो आपने उस पर टिक करना है को सिद्दीक मुसाफिर कौन सी जबान के अदीब और शायर थे। नज़म नेकी जे शायर जो नालो आए हम आपको तारफ में बता चुके हैं कि इसी नज़म नेकी का शायर कौन सा है उस पे आपने सबक और नज़म पढ़ के टिक लगानी है कि इसी नज़म का शायर ये है। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर कदे वफात कई यानी मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर ने कब वफात पाई 1961 में 62 63 या 66 में वो आप जब तारफ पढ़ेंगे तो आपको वो उसका जवाब मिल जाएगा आप उस पर टिक लगाएंगे। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर तालीम खाते में भर्ती थे। अच्छा मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर फाइनल पास करके तालीम खाते में किस उहदे पे मुकर हुए क्लर्क भर्ती हुए हेडमास्टर भर्ती हुए उस्ताद भर्ती हुए या तालीमी माहिर भर्ती हुए। आप इस सबक के अंदर जो तारफ है ये तमाम जवाब भी उसमें शामिल हैं।
घर जो कम दिनों कम कापी में फेर करेंदा, जो भी हम आपको काम भिजवा रहे हैं वो आप अपनी फेर कापी में ज़रूर करके आएंगे और इस नज़म के तशरीहात को याद भी करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।